उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत कहरिया चौक से गुगलाड़ा की तरफ बसों व लोगों के निजी वाहनों को खड़ा करने पर पुलिस द्वारा चालान किए जाने से आहत दुकानदार मंगलवार को एसडीएम ज्वाली अरुण शर्मा से मिले और समस्या के बारे में अवगत करवाया। दुकानदारों ने कहा कि उस मार्ग पर बस स्टॉप पर बसों को खड़ा करने पर तथा जो भी लोग दुकान से सामान लेने के लिए अपना वाहन खड़ा करते हैं, पुलिस उसका चालान काट देती है, जिस कारण दुकानों में कोई सामान लेने के लिए खड़ा नहीं होता और दुकानदारों का धंधा चौपट होकर रह जाता है। उन्होंने कहा कि गुगलाड़ा मार्ग पर बसों को खड़ा करने के लिए स्थान चिन्हित किया गया था, लेकिन उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि श्यामलात भूमि पर सार्वजनिक टॉयलेट व रेन शेल्टर की सुविधा दी जाए। इस बारे में एसडीएम ज्वाली अरुण शर्मा ने कहा कि दुकानदारों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है, जिस पर उक्त स्थान पर निशानदेही हेतु संबंधित विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये हमने कि हमें दो दिन से पुलिस वालों ने तंग करके रखा हुआ है, आए दिन दो दिन से चलान कर रहे हैं, ना कोई बस लगने देते हैं, ना कोई वहाँ पे गए किसी व्हीकल को लगने देते हैं। कोई भी कस्टमर आता है, अगर वो 50 रुपये का सामान लेता है, 100 रुपये का उसका चलान आ जाता है, तो ऐसी में कौन हमारे पास आएगा। और वहाँ पे एक निजी आदमी ने बिल्कुल रोड जो है वो ब्लॉक करके रखा हुआ साइड पे, वहाँ पे ज़मीन है, अगर उसको वो सामान हट जाता है तो वहाँ बस स्टैंड के लिए बहुत एक बढ़िया जगह जो है फिक्स जो है बन सकता है। और पब्लिक की ये डिमांड है कि वहाँ पे एक रेन शेल्टर प्लस उसमें एक जो है लैट्रिन बाथरूम बन जाए, ये हमारी समस्या है और इसी समस्या को लेकर हम एसडीएम। एन स्टार न्यूज़ के लिए ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।